नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टो सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दृष्टांत और शकुंतला नामक कहानी के बारे में बताया था। आज मैं पुनः उसी कहानी को एक बार आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ। बच्चों, बहुत पुरानी बात है, दिल्ली के पास एक नगर था जिसका नाम था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत थे और राजा दुष्यंत एक बार शिकार करने के लिए निकले तो एक हिरण का पीछा करते करते वे कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक लड़की जो है सखियों के साथ पौधे सींच रही है। उन्होंने अपनी जिज्ञासा जाहिर की, सखियों के माध्यम से पूछा कि यह लड़की कौन है। तो सखियों ने बताया कि यह कण्व ऋषि के आश्रम में रहती है और इनको कण्व ऋषि अपने लड़की के समान पालन पोषण करते हैं। तो राजा ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की कि मैं इनको अपना रानी बनाना चाहता हूँ। सखियाँ बहुत प्रसन्न हुई और सखियों के माध्यम से ही राजा दुष्यंत का विवाह शकुंतला से हो गया। चूंकि कण्व ऋषि आश्रम में नहीं थे इसलिए शकुंतला की विदाई नहीं हो सकी। अतः जब कण्व ऋषि बाहर चले गए तो हस्तिनापुर के जो राजा थे दुष्यंत, उनको अपने हस्तिनापुर लौटना जरूरी था, इसलिए उन्होंने जाते वक्त शकुंतला को अपनी एक अंगूठी निशानी के रूप में, पहचान के रूप में दे दिया था और वे चले गए। जब कण्व ऋषि आए और विवाह की बात सुने तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई। क्योंकि कण्व ऋषि आश्रम में नहीं थे इसलिए शकुंतला की विदाई नहीं हो सकी थी। और दुष्यंत अपने नगर को लौट गए थे तो उस समय दुष्यंत के चले जाने के बाद शकुंतला जो थी उदास रहने लगी और उन्हीं की सोच में बैठी थी। परिणाम यह हुआ कि उसी वक्त दुर्वासा ऋषि आए और यह राजा की सोच में होने की वजह से दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं की, जिसकी वजह से वह क्रोधित हो गए और उनको श्राप दे दिया। जब कण्व ऋषि विवाह की बात सुने तो उन्होंने अपने दो शिष्यों के माध्यम से हस्तिनापुर शकुंतला को विदा किया। रास्ते में शकुंतला को प्यास लगी और इस तरह से पानी पीने के लिए वह जो ही गई, उसके हाथ से राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी गिर गई तालाब में और वह अंगूठी एक मछली निगल गई थी। तो इस तरह से बच्चों, आप लोग देखते हैं कि जब शकुंतला राज दरबार में आई तो उस समय वह दुर्वासा ऋषि के साप को याद आई उसको और उसने कहा कि ये आपकी अंगूठी मेरी निशानी है, आपने जो निशानी के रूप में दिया था अंगूठी वह मेरे पास है। तो जो ही वह अपनी उंगली देखी तो उंगली में अंगूठी नहीं थी, इसलिए फूट फूट कर रोने लगी। विलाप को मेनका अप्सरा जो कश्यप ऋषि के आश्रम में रहती थी सुनी और वह अपनी पुत्री को लेकर के कश्यप ऋषि के आश्रम में चली गई। क्योंकि शकुंतला अप्सरा मेनका की पुत्री थी, वहीं पर वे लोग कुछ दिन रहने लगे। धीरे धीरे एक बार बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊं, राजा दुष्यंत युद्ध करते करते संयोग से कश्यप ऋषि के आश्रम की ओर आ गए और कश्यप ऋषि के आश्रम में राजा दुष्यंत ने देखा कि एक 500 वर्ष का बालक जो है वह सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। ऐसी घृणा को देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उनके बगल में एक यानी बच्ची के बगल में एक स्त्री थी जो कह रही थी कि बच्चे को छोड़ दो, यह अपनी माँ का दूध पी रहा है।
तो वह बालक कह रहा है कि मैं इसके दांत को गिनूंगा। तो इस तरह की बात को सुनकर कर राजा दुष्यंत को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने वहाँ पर मौजूद स्त्रियों के माध्यम से जानकारी की, तो पता लगा कि स्त्रियों ने बताया कि यह पुत्र जो है, यह बालक आप ही का लड़का है और इसके बगल में जो ये स्त्री खड़ी है इसका नाम शकुंतला है, यह आपकी पत्नी है। तो इस तरह से बच्चों ये कहानी थी। तो इसी कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को इसी पाठ से संबंधित मौखिक कौशल कराने जा रहा हूँ। आप लोग इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य नोट कीजिएगा। देखो बच्चों, ये पहला प्रश्न मौखिक कौशल का, तीन प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक कौशल में आप देखेंगे तीन प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें आपका पहला है, राजा दुष्यंत ऋषि कर्ण के आश्रम में कैसे पहुंच गए। राजा दुष्यंत ऋषि कर्ण के आश्रम में कैसे पहुंच गए, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलने निकले और वे एक हिरण का पीछा करते हुए कर्ण ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। राजा दुष्यंत शिकार करने के लिए निकले, निकलने के बाद वे एक हिरण का पीछा करते करते और कर्ण ऋषि के आश्रम में वे पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा आप लोग देखें, दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को साप क्यों दिया। दुर्वासा ऋषि जो थे वह शकुंतला को साप क्यों दे दिया, तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा, एक दिन दुर्वासा ऋषि जब कर्ण ऋषि के आश्रम में आए उस समय शकुंतला राजा की सोच में बैठी थी और ऋषि को प्रणाम करना भूल गई, जिसकी वजह से दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और शकुंतला को साप दे दिया। यानी एक बार शकुंतला जो थी वह बैठी थी और दुर्वासा ऋषि जो थे वह कर्ण ऋषि के आश्रम में आए, आने के बाद शकुंतला जो थी वह राजा की सोच में बैठी थी इसलिए वह दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करना भूल गई थी, जिसकी वजह से दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और वे शकुंतला को साप दे दिए। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, शकुंतला दुष्यंत और शकुंतला का मिलन कैसे हुआ। यानी दुष्यंत जो राजा थे हस्तिनापुर के, उनका और शकुंतला का मिलन कैसे हुआ, तो आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे कि एक बार जब दुष्यंत युद्ध करके कश्यप ऋषि के आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि एक 5-6 साल का बालक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था। राजा दुष्यंत ने कश्यप ऋषि के आश्रम में क्या देखा कि एक 5-6 साल का बच्चा जो है वह सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछने पर स्त्रियों द्वारा मालूम हुआ कि यह बालक आप ही का है और इसकी माँ का नाम शकुंतला है। इस प्रकार दुष्यंत और शकुंतला का मिलन हुआ। यानी राजा दुष्यंत जो थे वो 5-6 साल के बच्चे को देखे कि यह सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ यानी राजा को, और राजा ने स्त्रियों से पूछा कि यह जो बालक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है ये कौन है, तो स्त्रियों ने बताया कि यह बालक जो है यह आप ही का पुत्र है और इसके बगल में जो स्त्री खड़ी है उसका नाम शकुंतला है, जो ये आपकी पत्नी है। इस तरह से बच्चों ये दुष्यंत और शकुंतला का मिलन हुआ और शकुंतला दुष्यंत के मिलन के बाद दुष्यंत अपने शकुंतला और उस बालक को लेकर के हस्तिनापुर चले गए। तो आज इतना ही रहने दें बच्चों, आज मौखिक कौशल समाप्त हुआ आपका। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का लिखित कौशल कराऊंगा, तब तक आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे अवश्य नोट कीजिएगा और याद भी कीजिएगा और साथ ही एक पेज नकल अवश्य लिखिएगा। ये सब आपकी स्कूल खुलने के बाद देखी जाएगी। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय।